नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करीब एक माह पहले गांव मानकावास में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के मामले को लेकर मृतका के मायके पक्ष के लोग दादरी एसपी से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मायके पक्ष के लोगों ने करीब एक माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष जताया और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। वहीं गिरफ्तारी न होने पर उन्होंने पुलिस थाने में धरना शुरू करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि बीते 24 जनवरी को गांव मानकावास में 23 वर्षीय विवाहिता ममता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। विवाहिता की लाश कुएं में मिली थी। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया था। विवाहिता की मौत को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा था कि उसने आत्महत्या की है, जबकि मायके पक्ष के लोगों ने उन पर हत्या कर शव को कुएं में डालने के आरोप लगाए थे। दादरी सदर थाना पुलिस ने भिवानी जिले के गांव थिलोड निवासी अनिल की शिकायत के आधार पर ममता के पति समेत चार नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी के चलते गांव थिलोड निवासी लोगों ने दादरी पहुंचकर पुलिस से बचे हुए तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दादरी पुलिस डीएसपी जोगेंद्र सिंह ने जल्द बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता जयवीर फोगाट की रिपोर्ट। हमारी बाणजी थी, हमारी नंद खिलावड़ गांव में ब्याही थी, उसकी बेटी मानकावास ब्याही थी। शादी को 3 साल हुए थे, 3 साल से ही वो तंग कर रहे थे। सास ससुर, उसका पति और एक पड़ोस की जिठानी है, सगी नहीं, उसके ताऊ के बेटे की बुआ। तो अब ज़्यादा तंग कर दिया। लड़की पढ़ी लिखी थी, एमएससी बेटी ने करी हुई थी। एक इसके पिताजी उसी की टेंशन में पिछले साल एक्सपायर भी हो गए थे। ये बेचारी गरीब माँ, इसने दूध बेच के बच्ची को पढ़ाया। अब उन्होंने घर में जहर दे के, बाकायदा जहर दे के तीनों ने, और उसको कुएं में डाल दिया। वो कुआं भी चारों तरफ से बंद है, उसको आगे वाला गेट बंद है। अगर वो बच्ची आपसे गई होती तो पहली बात तो गेट बंद नहीं होता, दूसरी बात उस बच्ची के नाक कान का सब कुछ निकाल रखा है। उसकी सास टीचर है, उसको पैसों का घमंड है। ये गरीब आदमी है, वो सोच रहे हैं कि तुमने मार दिया, बात खत्म होगी। आज 26 दिन हो गए, पुलिस ने कोई अरेस्ट नहीं करा, सिर्फ एक बंदे को अरेस्ट करा, उसके घर वाले को। हम पुलिस से, प्रशासन से चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसकी सास ससुर और जेठानी तुरंत गिरफ्तार हो, ताकि इस माँ की भी आत्मा को शांति मिले। एक तो घर से बेटी चली गई, ऊपर से पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से विनती है कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार कर दे, वरना हम थाने के आगे पूरा आर्यन नगर हांसी खिलावड़ गांव यहां धरना देंगे और एसपी और डीएसपी के खिलाफ नारे लगाएंगे। आश्वासन दिया है एसपी साहब ने, कहा कि एक हफ्ते में तस्दीक करेंगे। वो गलत बात है जी, एक हफ्ते का क्या मतलब हुआ, 26 दिन तो हो चुके, तब्दीश कितने दिन में होती है। हम तुरंत कार्रवाई चाहते हैं इसके ऊपर। पोस्टमार्टम तो नहीं आई, हम इस बात की मेडिकल रिपोर्ट साथ में लगा रखे कि हमारी बच्ची 3 महीने से गर्भवती थी। इन्होंने एक हत्या नहीं करी, 2 हत्या करी है, एक उसके पेट में पड़ने वाले बच्चे की और एक हमारी बच्ची की। बिल्कुल पॉजिटिव है जी रिपोर्ट, हम आपको दे सकते हैं, पुलिस को भी दे दिया। नेटमुडिये कुएं से मिली थी, उनके पीर वालों ने दहेज हत्या का केस करवा दिया था। उसमें घरवाला तो उसी दिन अरेस्ट कर लिया था। सास ससुर और जेठानी रह रहे हैं, पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, वो घर से गायब है, मिलते ही उनको अरेस्ट कर लें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।